इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हॉबिंग मशीन पर कटर कैसे सेट करते हैं, वर्कपीस की सेटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये आप हॉब स्पिंडल देख रहे हैं, हॉब स्पिंडल में ये पैकिंग लगा देते हैं और हम बीचों बीच में हॉबिंग कटर या हॉब कटर माउंट करते हैं, जिससे जो कटिंग है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा कटिंग परफॉर्म हो। तो ये स्पिंडल हॉब स्पिंडल है और यहाँ पर ये स्पेसर लगाया जा रहा है इस तरह का, ये मेजरमेंट करके लगाते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल बर्नियर कैलिपर अभी लगा देंगे। और आप देख सकते हैं स्पिंडल में की भी लगा हुआ है, उस की पे ये सारे फिट हो जाते हैं। फिर इधर आप हॉब कटर रखा हुआ देख सकते हैं, ये हॉब कटर है और इस पर इसके स्पेसिफिकेशन भी लिखे रहते हैं, हाफ इंच ये सब लिखा हुआ है। और इसमें जितना एंगल होता है उतने एंगल पर आपका ये हेड है इसको भी माउंट करना पड़ता है। ये देखिए कटर बीच में लगा दिया और दोनों तरफ सपोर्ट होते हैं, जिससे कटर रोटेशन के दौरान हिले डुले नहीं, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो स्पिंडल और हॉब कटर के बीच में। और ये कटर बिल्कुल वर्कपीस के सेंटर में ही चलना चाहिए, तभी अच्छे से कटिंग करेगा, यूनिफॉर्मली कटिंग परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर ये स्पेसर और पैकिंग लगा देते हैं और ये पूरा हेड है इसको लगा देंगे और इन सारे जो यहाँ पर नट बोल्ट हैं इनको हम टाइट कर देते हैं। और इसके लास्ट में यदि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हॉब स्पिंडल के, यहाँ पे एक नट लगाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले स्पैनर से ये नट टाइट कर दिए हैं और ये लेफ्ट हैंडेड थ्रेड वाला नट है, जिससे मशीन चले उसके दौरान ये खुले नहीं। जहाँ पर भी वाइब्रेशंस होते हैं, नट खुलने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर हमेशा लेफ्ट हैंडेड नट यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कसेगा, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो खुलता है। और नॉर्मल जो नट आते हैं उसमें क्लॉकवाइज में टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। अब ये हेड है, इसके नट को हम लूज़ कर रहे हैं और नट को लूज़ करने के बाद इसको जो भी कटर पे एंगल मेंशन होता है उतने एंगल पे इसको हम रोटेट करा देंगे। तो रोटेट कराने के लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लीवर यूज़ करेंगे, साइड में देखिए लीवर से हम इसको रोटेट करा दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर स्केल बना दे रही है जो ऑपरेटर दिखा रहे हैं, इस उस उतना रोटेट, अब रोटेट करा दिया। कराने के बाद ये जो नट बोल्ट हैं इनको हम अच्छे से टाइट कर देंगे और मशीन चालू करने से पहले हमको ये इंश्योर करना ही होता है कि हमारा कटर भी अच्छे से टाइट होना चाहिए, अच्छे से क्लैंप होना चाहिए और वर्कपीस भी अच्छे से क्लैंप होना चाहिए। अभी ये चालू कर दिया है, अब हम यहाँ पे वर्कपीस की सेटिंग देखने जा रहे हैं। तो वर्कपीस का ये स्पिंडल है जो घूमता है और स्पिंडल ये आपका चक के अंदर या वर्कपीस का मैंडल बोलते हैं इसको, मैंडल के ऊपर हम वर्कपीस को क्लैंप करते हैं। ये चक है, चक के अंदर मैंडल लगाते हैं और मैंडल के ऊपर अब वर्कपीस को क्लैंप करते हैं, उसके लिए स्पेसर वगैरह वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेसर, जिससे ये आपके ब्लैंक हैं, जो टाइमिंग पुली होती है उसके ब्लैंक है, इसके ऊपर टीथ कट किए जाएंगे, ऊपर से भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ऊपर स्पेसर वो सब लगाते हैं। तो ये जो भी इसका साइज है उसके हिसाब से स्पेसर लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। और यहाँ पर एक ही मोटर यूज़ होती है, एक ही मोटर से आपका हॉबिंग कटर भी चलता है और एक ही मोटर से आपका ये वर्कपीस का स्पिंडल है ये भी घूमता है, तो दोनों के लिए अलग अलग मोटर की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें सीएनसी मशीन भी आने लगी है, देखिए अब ये जो हेड है सपोर्टिंग के लिए इसको टाइट कर दिया नीचे ला के और इसको लॉक कर दिया है। और यहाँ पे स्पैनर से ये इसको और अच्छे से टाइट कर रहे हैं और ये पूरा लॉक हो गया। अब मशीन चालू कर दिया, चालू करने के बाद यहाँ पे फिर और आपको कुछ कंट्रोल पैनल के फंक्शन में दिखाता हूँ। देखिए ये हेड है, इससे हम आगे वर्कपीस को आगे कर रहे हैं, जितना भी डेप्थ ऑफ कट आपको कटिंग करना होता है एक बार में उतना हम इसको आगे तरफ कर देते हैं। और इसको कितना आगे करना है उसके लिए भी हम यहाँ पर डायल इंडिकेटर लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायल इंडिकेटर आपको बता रहा है कितना mm आपने इसको आगे की तरफ मूवमेंट दिया है। और आप देखिए इसमें कटर हाई स्पीड से घूमता है और ये जो वर्कपीस है वो धीमे घूमता है और इनके बीच में इंडेक्सिंग करना ज़रूरी है। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसको बार-बार करना पड़ता है, डायल इंडिकेटर में दिखाया है थोड़ा बहुत। देखिए ये लिमिट है, मैं कहाँ पे इसको टच कराना है, तो उसके हिसाब से जैसे ये नीचे टकराएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। लिमिट नीचे सेट कर दिया है
जिससे हेड नीचे की तरफ नहीं आए, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कटिंग परफॉर्म करें। ये आपने कूलेंट को चालू कर दिया, ये सॉरी वर्टिकली अप एंड डाउन को मूवमेंट कराने के लिए हेड अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। तो हेड बिल्कुल अब ऊपर से कटिंग कर परफॉर्म करेगा और धीरे धीरे ये हेड ऑटोमेटिक नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। यहाँ से पता चल रहा है कितना ये कर रहा है। लीवर घुमा रहे हैं जिससे ये वाला जो हेड है लेफ्ट राइट हैंड साइड में टेलीस्टो का आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है पूरा। कितना मूवमेंट कर रहा है वो है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब कूलेंट चालू कर देंगे, इसमें कूलेंट भी पूरे ऑपरेशन के दौरान चालू हो रहता है। ये देखिए कूलेंट चालू कर देंगे, थोड़ा टाइम लगता है उसमें पंप वगैरह चालू होता है। तो अब यहाँ पे कूलेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला होगा। अब ये ऑटोमेटिक कर दी, ये जो लीवर है ये जो वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट करता है उसको ऑटो मैनुअल करने के लिए अभी ऑटोमेटिक कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिक जो हॉबिंग वाला हेड है ये रोटेट तो करता ही है, वर्टिकली धीरे धीरे नीचे की तरफ भी मूवमेंट करता है जिससे टीथ का जो भी आपका गहराई होती है जो भी चौड़ा हो तो वो पूरा टीथ कवर हो जाए। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।